अरे शेखर मुकुल कहाँ थे इतने दिन? अरे वो सब छोड़ो, गले मिलो। कमाल है, पहचाने ही नहीं है। पहले दोस्त थे, बाकी अब रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। दिव्या जी को देखने वाले लोग आ गए होंगे, बाकी हम कुंडली तो लाइए नहीं पाए। बुआ जी हमारा इंतजार कर रही हूँ क्यों? ई रही रत्ना की कुंडली। अरे हम अपने कुलगुरु से बनवाए थे, अब सब लोगों ने जब इस शादी का मंजूरी दे ही दिया है तो काहे नहीं हम शादी का तारीख भी पक्की कर लें। हाँ बिल्कुल सही कहा वर्षी दीदी। पंडित जी कुंडली देखिए जरा, कुंडली को मिलाइए। जी जजमान। लीजिए पंडित जी, लीजिए। तुम मुहूर्त निकालिए पंडित जी, जाए बोल के। अरे मुकुल ये क्या हुआ? ई कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो मंदिर गए थे ना तो मंदिर की घंटी लग गई। वो कहा है कि यहाँ मंदिर की घंटियां बहुत ही नीचे है। दो ही हफ्ते बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बस अब आप लोग अपना समझ लीजिए। पंडित जी ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना, बहुत सारी तैयारी जो करनी है हमको। अरे सब इंतजाम हो जाएगा, वो हमरा जिम्मेदारी। दो ही हफ्ता तो बहुत है, बस सब हो जाएगा, कौनो परेशानी की बात नहीं है। बाकी इतना अच्छा मुहूर्त है तो जाने नहीं देना चाहिए ना। अरे हमारे पेट में तो खुशी का भूडोल उठ रहा है, इतनी जल्दी दोबारा मिठाई खिलाने की बारी आ जाएगी ये तो हमें मालूम ही नहीं था। अरे गंगिया चल मिठाई बांट। सही कहा बरसी दीदी, मंत्री जी आइए ही खुशी में गले लगिए। आप बिल्कुल सही कहा आपने मंत्री जी, कहा जी दो हफ्ता में दो महीना काम हो जाएगा। कहा से कि जब वक्त होता है तो ऐसा लगता है कि दो महीना है बहुत टाइम है, याद पता है कि एक हफ्ता में सारा कार्यक्रम करना है और दूसरा हफ्ता लगा नहीं कि ब्याह शुरू। सही कह रहे हैं लोहा सिंह जी, अब बात निकली है तो बता दे बारात तनिक लंबी चौड़ी आएगी, समझ गए ना? इसमें कहने की कौन सी बात है मंत्री जी, लोहा सिंह का आपसे वादा, स्वागत सत्कार में कौनो कमी नहीं मिलेगी। खुला दरबार होगा, जो चाहे सब मिलेगा। बहुत बढ़िया लोहा सिंह जी, अब हम चले। आप कहते हैं मंत्री जी तो आप रोक कैसे सकते हैं? अच्छा चलता हूं। हर हर महादेव।
कौनो सोचा था कि दुई दुई दोस्ती इक्के साथ रिश्तेदारी में बदल जाएगी। अब हमरी और शेखर बबुआ की बिछड़ी हुई दोस्ती मिल गई है ना। अब तुम जाओ सखी, नहीं तो मनीष्टर साहब को गुस्सा आ जाएगा। जाओ। हुआ मुकुल, कहाँ देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अभी जो लड़की दिखाई थी ना, पता करना वो कौन है। कहाँ चल दिए? अभी तो बहुत सारा प्लान बनाना है। अरे बिटिया का ब्याह है, कोनो हंसी ठट्टा नहीं है। पेट में भूडोला जाएगा तैयारी करते करते। अब चलो हमरे साथ, हम बताते हैं का का करना है। आओ। अरे काहे फिकर करे बरछी दीदी, मंत्री जी की समधी होने जा रहे, तनिक थोड़ी खुशियात मना ले। दुई दुल्हन सजेगी, आ एक ठो हमरी बुचिया और एक हमरी हवेली। रोड से लेके यहाँ गांव तक, यहाँ हवेली तक लाल कालीन बिछवा दूंगा स्वागत खातिर। वो सब तो ठीक है लोहा मुन्ना, बाकी कल सुबह जल्दी जाके गहना गुड़िया और सौदा सुलभ खरीदना पड़ेगा, नहीं तो दुई हफ्ता यूं चुटकी बजाते निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम। आई तो बिल्कुल ठीक कहा बच्ची दीदी। वैसे हम बुचिया के लिए पहले से गहना खरीद के रखे। पहले गहना देने से हम कहाँ रोके आपको बबुआ भैया, बाकी हमारी बुचिया पुराना गहना पहने हमें अच्छा नहीं लगेगा। बुचिया का ब्याह इतनी धूमधाम से करूंगा, याद करेगी दुनिया की हमारा नाम भी लोहा सिंह है। अरे आलू का चालू सब बौने लगेंगे हमारे सामने बरछी दीदी। वो जो लल्लू सिंह बड़ा मूछ रख के अपने आप को बड़ा समझने लगे थे, एक ही बार में शर्म खातिर मुझ सपा चट करवा देंगे। अरे पिपरी बजवाए थे अपनी बेटी के ब्याह में, हम नगाड़ा बजवाएंगे। देखिएगा भूत भविष्य वर्तमान सब यहाँ ब्याह भूल जाएंगे आसपास में। रत्ना कहाँ जा रही हो? क्या हुआ, खुश नहीं होगा? अरे जो तुम चाहती थी वो तो हो गया। वो लोग ब्याह के बाद तुम्हारी पढ़ाई कराने के लिए तैयार हैं। अरे काहे जबरन उसे नाखुश बना रहे हो शेखरवा? अरे खुश काहे नहीं होगी, बहुत खुश है हमारी बुचिया, और हमारा होने वाला दामाद भी तुमरे बचपन का दोस्त निकला, तो कायदे से तो डबल जशन होना चाहिए। का कहती बरछी दीदी? अरे तो मनाओ ना, हम कौन सा मना किए हैं, हम तो जा रहे हैं पनीर का तरकारी और मालपुआ बनाने। ए बस रोपना, कुल्लक पानी ला। अरे हाँ सुन, वो
बताओ यहाँ कहाँ हुआ? वो जो लोग दीदिया जी को देखने आए थे क्या बोले? क्या बोले? अरे बोलना छोड़, रिश्ता भी पक्का हो गया है और दिन तारीख भी, 2 हफ्ते बाद बियाह है। बियाह तय हो क्या? बिना कुंडली के दिन तारीख कैसे तय हो गया रे? वो तो कुंडली दिखा के ही हुआ है, पर्ची बुआ जी कुंडली लेके आई थी, कौनो कुलगुरु जी महाराज से बनवा के अपने साथे लेके आई थी। अब हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे घर जाके वो कुंडली यहाँ ले आओ। कुंडली साथे लेकर आए थे तो हमको काहे भेजी हुआ? हम बताते हैं काहे लिए भेजे थे। जमुनी चल जाए यहां से। और तू लोग यहां क्या कर रहे हो? जाओ। तनी भूल भटक हो गई। अरे अब क्या करें, कबो कबो हमारे पेट में बहुत ही जोर का भूडोल आ जाता है। हम तो ये समझे थे कि हम कुंडली अपने घर भूल आए हैं। अरे बाद में ध्यान आया हमें कि वो तो बकसवा में निचुआ धरी है हमारे गहना के डिब्बा के अंदर। अब तब तक तुम तो चली गई थी ना, क्या करते? तुम तो समझ भी करती हो ना कि मनिस्टर साहब के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो गया। अरे भैया हमको तो बहुत सारा काम है, हम जा रहे हैं। ही लो फिर से भूल गए। अरे हमारी कुंजिया तो दे दो, क्यों भी हमारी तरह भूल आई हो कहीं झाड़ जंगल में। आपको कैसे पता बुआ जी कि हमको जंगल झाड़ी में छोड़ दिया गया था? तो ये सब आप जानबूझ के की थे। हम आपसे कहे थे ना कि आप जो कहेंगे हम मानेंगे, जो मांगेंगे हम देंगे। अरे देने से कोनो खत्म नहीं हो जाता है। बाकी जो हरकत आज आप की है ना, उससे जरूर खत्म हो जाता है। बाकी आपको तो इसे पता नहीं होगा, छोड़िए हमको, छोड़िए हमको। चुप, बहुत ही जबान चलती है तोरी। अरे हम तो यही चाहते थे कि थोड़ी देर के लिए तुम ये हवेली से दूर रहो ताकि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, कोनो भूडोल नहीं आए। एहली आप सोचे कि हमको खत्म करवा दे ताकि सब ठीक हो जाए ना? अरे तुमको खत्म करा दे, काहे करेंगे हम ऐसा? तुम तो ये हवेली को वारिस देने वाली हो ना, फिर हम काहे करेंगे तुम्हारे साथ ऐसा? बोलो। बारिश का तमाशा हो रहा? अरे कुछ नहीं लोहा मुन्ना, हम तो ये लाली को इसकी असली जगह बता रहे थे। हाँ बुआ जी तो सही जगह पर भेजियो दी थी हमको, जहां से कभी हम लौट नहीं पाए। का? ये सब हम तुम्हारे लिए तब बनवाए थे जब तुम छोटी सी थी। पसंद है ना तुमको?
अरे अभी तक बत्ती का नहीं चल रही है, लाली आई नहीं क्या अभी तक? देखो ना बबुआ, बुचिया कितना शर्मा रही है। माम तनी अभी आते हैं। बड़ा बढ़िया बढ़िया आदमी भेजी थी बुआ जी हमरा पीछे, बड़ा रुपया पैसा ना खर्चा करना पड़ा होगा उन लोगों के ऊपर, तो पैसवा हमरे मरने के बाद देना था कि पहले? अरे ये कहते कहते हमरे पेट में भूडोल आ जाएगा तब मानोगी का कि हम नहीं भेजे थे कौनो आदमी तुमको मरवाने के लिए? चुप, बिल्कुल आई चुप। ये काम अगर बर्छी दीदी नहीं किया तो किसने किया? अरे हमको क्या पता कौन किया है, हमको मालूम है कि ये कौन किया। निकल ससुर यहां से, निकल 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 निकल। दुल्हन को मरवाने को आदमी भेजे थे, मारने के लिए मतलब? कितनी बार मना किए, बार बार मना किए, क्या ऐसी होची हरकत मत करो। इस ब्याह पर हम कौनो ड्रामा नहीं चाहते, ये तुम्हारी खोपड़िया में नहीं पड़ता। ये सब क्या हो रही है? क्या हुआ? कोई बोल का ही नहीं रहा कि क्या हुआ यहां? लाली अभी तक कहां थी तुम? इतनी थकी मंदी काहे लग रही हो? गई कहां थी तुम? वो कहे कि हम बस खेत तक गए थे। तुम ये वक्त क्या कर रही थी वहां? ये लोग कुछ कह रहे थे तुमसे? नहीं इतना गर्मा गर्मी कहा चल रही थी? कुछ तो नहीं, कहा बोलेंगे? झूठ बोल रही तुम, कुछ तो जरूर हुआ है यहाँ। रनवे से तुम्हारे साथ कुछ किया है?